तीन दिवसीय जनपद रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 6 करोड़ से ज्यादा रुपए के विकास कार्यों की जनपद को सौगात दी। मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया, जिसे जो है 85 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं मंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी राज्य और जनपद के विकास के लिए वर्क कल्चर डेवलप करते हुए विकास कार्यों में अपनी संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराएं और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जाती है उनका यथाशीघ्र अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें। केदारनाथ यात्रा को और अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए इस दिशा में सभी को बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। छः करोड़ 25,62,000 रुपए की जो हमने विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये 6,25,62,000 की सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। बहुत प्रसन्नता की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे निर्देश था कि हर जिले में प्रवास करें और वहां जाएं और वहां की समस्याओं को देखें। सड़कों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीज़न होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाएं, NH बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दिए गए हैं।